नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? ऐसा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, आज मैंने रेसिपी शेयर की। अगर अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो ये रेसिपी मैंने फटे हुए दूध से बनाई है। तो अगर आपके घर में दूध फट जाता है तो फेंकने से पहले ये वाली रेसिपी ज़रूर देख ले लें दोस्तों। मैंने बहुत बढ़िया रेसिपी बनाई है। तो यहाँ पर फटे हुए दूध से और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है रवा, एक चम्मच करीबन मैंने इसमें रवा डाला है। तो इससे मैंने मिक्सर जार में इसको मैंने चला लिया दोनों को मिक्स करके, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के और मैंने ऐसी बॉल्स बना ली। तो इसको मैंने ऑयल में सेक लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी। और यहाँ पर देखिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, एक हरी मिर्ची डाली इसमें और उसके बाद में मैंने टमाटर, एक टमाटर डाल दिया। तो इन सबको अच्छे से भून लेंगे पहले कढ़ाई में, और उसके बाद में फिर हम मिक्सर जार में इसको हम पीसेंगे। तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे ना बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो इसको पहले अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद में फिर सब्ज़ी बनाइएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है। तो मैंने ये पहली बार आप सभी के साथ शेयर की है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना, बहुत बढ़िया रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने निकाल लिया और ठंडा कर दिया। तो ठंडा हो चुका है, इसमें मैं डाल देती हूँ मिक्सर जार में और मैं इसको पीस लेती हूँ पहले। और यहाँ पर देखिए ये मसाले हैं, जो खड़े मसाले होते हैं वो मैं इसमें डालूँगी। थोड़े थोड़े हैं मसाले, इसको मैं डालने के लिए मैंने निकाल लिए हैं, तेज़पत्ता ये सब है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी और जो मसाले मैंने वो निकाले थे, लौंग है, काली मिर्ची है और दालचीनी है, ये सब हमने इसमें डाल दिया। सब डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर तक इसको भून लेंगे, फिर इसमें हमने जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। तो पेस्ट अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं गीला कर लेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया इसको और अच्छी तरीके से इसको भून लेना, बहुत अच्छे से इसमें खुशबू आने लगे तब तक इसको भून लेना है दोस्तों। तो ये बहुत बढ़िया रेसिपी बनेगी आपकी। तो इन सबको अच्छे से डाल दीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से इसको भून लीजिए, उसके बाद में हम बॉल्स डालेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बहुत बढ़िया रेसिपी है, मैंने पहली बार बनाई है और आप सभी के साथ मैंने शेयर की है। तो दोस्तों अगर आप यकीन नहीं करोगे तो एक बार ज़रूर बना के देख लेना, इस तरीके से सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, मसाले डालने के बाद बेसिक मसाले जो हम डेली यूज करते हैं वो है। और अब मैं डाल देती हूँ यहाँ थोड़ी सी मलाई। तो ये मलाई दूध की मलाई है, तो इसको मैंने यहाँ एक चम्मच करीबन भर के डाल दिया इसको। और डालने के बाद यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो मलाई से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों थोड़ी सी मलाई ज़रूर डाल देना इसमें। तो अब इसको अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। तो मैंने ये रेसिपी ना किसी से सीखी है ना किसी से मैंने देखी है, ये मैंने मेरे घर में कल दूध फट गया था तो उसी को मैंने इससे जो सब्ज़ी बना ली, तो ये बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी। तो दोस्तों यहाँ देखिए सब्ज़ी इसकी ग्रेवी थी वो बहुत बढ़िया बन चुकी है। अब इसमें मैंने जो बॉल्स बनाई थी वो इसमें मैंने डाल दी, ये देखिए। तो सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी है और इसको हम सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है। इसको रोटी के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी है, आप यकीन नहीं करोगे तो एक बार बना के ज़रूर देख लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने छोटा सा आप सभी के साथ वीडियो शेयर किया, अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी का जो दूध फट जाए वो बर्बाद ना होए और सोचना भी ना पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना उनके साथ में, प्लीज़ दोस्तों शेयर कर देना, मैं आप सभी के साथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार, तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों ये देखिए सब्जी बॉल्स के साथ बन चुकी है और बहुत ही टेस्टी अमेजिंग रेसिपी है, आप यकीन नहीं करोगे तो एक बार ज़रूर बना के देख लेना। अगर बनाओगे ना तो एक बार आप बना लोगे तो आप बार बार खाओगे और उंगलियां जरूर चाटोगे, मेरी बात पर अगर आप यकीन करोगे तो एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर बना के देख लेना, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ। ये सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने खाई तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की, आज तक उन्होंने मेरी जो है सब्ज़ी की तारीफ़ नहीं की लेकिन आज बहुत तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्तों।